फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 ईस्वी में बसाया था। वर्तमान में यह आगरा जिले का एक नगरपालिका बोर्ड है। साथियों, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी, फिर इसे खाली कर दिया गया था, शायद पानी की कमी के कारण। दोस्तों, यह सिकवार राजपूत राजा की रियासत थी जो कि बाद में इनके आसपास खैरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गया था। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिज़ाइन हिंदू और फारसी वास्तुशिल्प के लिए किए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊँचा बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के इतिहास की चर्चा करें तो मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था जो वर्तमान में आगरा से 41 किलोमीटर दूर है। बाद में अकबर ने इसे मुख्यालय बनाने के लिए यहां किला बनवाया था, परंतु बाद में पानी की कमी के कारण इसे राजधानी को आगरा ले जाया गया था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय में अनेक भवनों, प्रसादों तथा राज्यसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में मौजूद है। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फीट है। इसमें 52 सीढ़ियों के बाद दर्शक दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है। दरवाजे में पुराने जमाने के विशाल कमान आज भी ज्यों के त्यों लगे हुए है। साथियों, इस बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। इस दरवाजे के लेफ्ट साइड जामा मस्जिद है और सामने शेख की मज़ार है। यहाँ के संबंधियों की कब्र स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर एक समाधि स्थित है। इस समाधि में एक चंदन का और एक सीप का कटहरा लगा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।